Hello everybody, I'm Krishna Abhishek and you're watching The Kapil Sharma Show. Subscribe to Live Comedy and hit the bell icon. Welcome buddy. Zordaar taaliya Shikhar aur Prithvi ke liye. Aiye baji, aao aao. ग्राउंड में तो आप ऐसे बैट पकड़ के जाते हो, यहाँ पे आगे एकदम से खड़े हो गए पीछे। शुरू में तो थोड़ी शराबत दिखानी पड़ती है, शुरू शुरू में शराबत दिखाते हैं, बॉलर को भी दिखानी पड़ती है। उसके बाद आता गब्बर बाहर। पृथ्वी थैंक यू, आप आए। थैंक यू सो मच। नहीं मतलब आए तो शिखर भी है, पर बंदा स्कूल छोड़ के जो आए। शिखर पाजी से तो मैं बहुत बार मुलाकात कर चुका हूँ, पृथ्वी से आज पहली बार ही। तो सीरियसली मुझे लगा कि पृथ्वी के साथ उसका कोई भतीजा आया, बाद में किसी ने बोला यही है पृथ्वी, इतना क्यूट, इतना प्यारा सा, अभी बहुत छोटा है पर काम बहुत बड़े बड़े किए। और शिखर पाजी के लिए भी जोरदार तालियां, अभी हाल ही में अर्जुना अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है। आप गौरव हो हमारे देश का, बड़ा मजा आता है जब भी मुलाकात होती है आपसे। और पाजी आप दोनों ही खूब चौके छक्के मारते हो, और जब भी आप चौका छक्का मारते हो वो बाहर लड़कियां जो रहती है बड़ी मेहनती बेचारी करती हैं। यहाँ पे चेयर लीडर तो नहीं है पर आपको कमी महसूस नहीं होगी, हमारे पास चेयर लेडी है एक। मैं क्या डांस करूं? और इनको हल्के में नहीं लेना, ये वही हैं जिन्होंने आप ही की फील्ड के एक वेटरन खिलाड़ी को आउट किया। उनको रन आउट किया, वो बेचारे भागे भी नहीं थे, वो तो अपनी पैंट ठीक करने, उतनी देर में लपक ली इन्होंने उनकी सीट। आप सब जानते हैं शिखर पाजी को पृथ्वी के बारे में कि ये कितना मजेदार धुआंधार खेलते हैं। पृथ्वी ने हैरिस शील्ड ट्रॉफी की एक इनिंग में ना 540 रन बनाए। अमेजिंग। 2016 में ये अंडर 19 टीम में सिलेक्ट हुए, उसके बाद कैप्टन भी बने, उसके बाद इंडियन टीम में खेलने का मौका मिला। अच्छा उसके बाद तो आपको लगा होगा कि भगवान इससे ज्यादा और क्या देगा, पर भगवान बहुत बड़ा है। देखो आप इंडियन टीम में आ गए, उसके बाद आज आप मुझे लाइव देख रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको मेरे को साक्षात जिंदा देख के? मैं तो बहुत नर्वस हूँ, आई मीन क्या बोलूँ मैं अभी, मैं तो स्पीचलेस हूँ क्योंकि हम लोग हमेशा जब भी लॉकडाउन के टाइम पे भी आपका एपिसोड्स देखते रहते थे। अच्छा। और इतना हंसते थे हम लोग, कैसे लॉकडाउन के टाइम पे हम लोग जा नहीं सकते बिकॉज ऑफ बबल, बट मैं और शिकी भाई कुछ करके हम लोग मिल लेते थे और आपकी का एपिसोड देखते, हमेशा मजा आता है सैटरडे संडे जो होता है। और हमें बड़ा गर्व है आप पे। पृथ्वी उस समय 14 साल की उम्र थी इनकी जब इन्होंने 330 बॉल पे 546 रन बनाए। तो आपको किसी ने बताया नहीं कि आगे चल के और भी मैच खेलने हैं? सारे इसी में बनाई जा रहे हैं। उस दिन क्या खा के गए थे पृथ्वी घर से आप? घी रोटी खा रहेगा। घी और रोटी, सब्जी कोई नहीं? घी खा के गए, सामने वाले को तेल निकाल दिया बेचारेगा। शिखर पाजी के बारे में बताऊं कि जब इनका टेस्ट डेब्यू हुआ था ना, तो इनको वीरेंद्र सहवाग पाजी की जगह खेलने का मौका मिला था, मैं राइट पाजी? बिल्कुल। और इन्होंने पहली इनिंग में अपनी 85 बॉल में इन्होंने सेंचुरी मार दी। तो उसके बाद वीरू पाजी ने आपको बधाई दी कि उनको टेंशन होगी ये लड़का तो सच्ची में खेल गया यार। क्या बोला उन्होंने आपसे मुलाकात की बाद में? हाँ मुलाकात हुई, वीरू भैया ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, और वीरू भैया जिगरे वाले बंदे तो वो कोई इतना वो नहीं रखते, कहते हैं बहुत अच्छा खेला और अच्छा करता रह गया, यही बोला। क्या बात। पृथ्वी ने ना एक बार, इनके एक दोस्त है शिवम मावी, उनको एक ही ओवर में 6 चौके मारे। तो अभी भी है आपकी दोस्ती उनके साथ? तो बिगड़ गए रिलेशन सारे? नहीं नहीं अभी भी है, वो मेरे साथ अंडर 19 वर्ल्ड कप हम लोग साथ में ही खेले। अच्छा। और जब मैच चला उसके पहले हम दोनों एक दूसरे को ये बोल रहे थे तू आराम से डालना मैं आराम से मारूंगा। अच्छा। वहां जाके भूल गए सब है? बट वहां पे जाके भूल गए। अच्छी बात है, जब आप मैदान में हो फिर तो बस फिर आपका बैट है और आप, क्या बात है यार। आइए प्लीज, बहुत बहुत स्वागत है। शिखर पाजी। हाँ जी। यार एक मैंने अफवाह सुनी है, पता नहीं अब सही है कि नहीं, कहते हैं कि जब आप खेलने जाते हो तो आप अपने साथी खिलाड़ियों के मौजे मांग लेते हो। मांग लेता हूँ बिल्कुल, कभी जैसे मैं बैग पैक करके गया मैच में भूल गया जुराब लाने, मोस्टली प्रैक्टिस पे ज्यादा होता है। अच्छा ऐसा कोई सुपरस्टिशन नहीं है? नहीं सुपरस्टिशन। ओके ओके। तो मेरे को बोल रहा था कि उनको ऐसा मानना है कि मैं किसी के मौजे पहन के जाऊंगा तो मैं ठोकूंगा जाके। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जुराब भी मांगी है, स्पोर्टर भी मांगा है। अच्छा।
मुझे लगा था कि आप कोई अंधविश्वास मानते हैं ऐसा कोई ना ना क्योंकि एक बार सिद्धू पाजी ने कहा था ना कि मैंने कपिल पाजी को देखा था वो सूर को नमस्कार करते थे उसके बाद में ऐसे दंड बैठक मारते थे और फिर जाते थे। अब सिद्धू पाजी आपको पता लंबे चौड़े हैं तो सिद्धू पाजी ने कहा कि मैंने भी ना कपिल पाजी की तरह सूर्य नमस्कार करना और दंड बैठक मारना तो सूर्य को नमस्कार तो उन्होंने कर दिया सूर्य ने भी आगे रिप्लाई किया उसके बाद उन्होंने दंड बैठक मारी ना इनके शटर खुल गए। सही बात है तो कदर टर्र करके आवाज आई तो उसके बाद में कहते मैं फिर ज्यादा नमस्ते करता नहीं किसी को नमस्ते कर भी मैं दंड बैठक नहीं मारता हूँ। शिखर तुम्हारा बेटा है वो देखता होगा तुम्हें तो उसका भी कोई ऐसा टोटका है कि मैं ये करूंगा तो पापा यू नो ज्यादा रन बनाएंगे? नहीं उसका अभी तक ऐसा कुछ है नहीं पर वो बीच में क्रिकेट खेलना शुरू हो गया था मेरे को देख के तो जाता था तो मेरी बात कम कोच की ज्यादा मानता था मेरे को खुशी होती थी चलो कोच की बात मानता था। वो भी अभी क्रिकेटर बनना चाहता है उसको वॉरियर बनने का शौक है वॉरियर हाँ तो वो अभी बॉक्सिंग सीख रहा है एमएमए सीख रहा है वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। उनके बेटे का नाम जोरावर है बड़ा प्यारा है मैं मिला भी हुआ और वो वॉरियर इसलिए बनना चाहता है मैंने एक बार उससे बात करी थी कहता जब मैं क्रिकेटर बनूंगा ना तो कई बार क्रिकेटर्स के साथ गलत हो जाता है जैसे कभी वो टीवी शो करते हैं कोई लोग आके उनकी सीट हड़प लेते हैं तो कहता मेरे को वॉरियर बनना है। शिखर पाजी इतनी बार मुलाकात हुई कभी पूछा नहीं जब आप होटल से स्टेडियम जाते हो तो जो बस होती है जिसमें सारी टीम बैठ के जाती है उसमें आप बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से बैठते हो कि या प्रीवियस मैच की जो परफॉर्मेंस हुई हो कि इसने सेंचुरी मारी ये विंडो सीट में बैठेगा? नहीं सबके एक रूटीन सा बन जाता है तो सबके अपनी सीट बन जाती है यार कि अच्छा मेरा होएगा जैसे मैं पांचवें छठे नंबर की सीट पे जाके बैठ जाऊंगा किसी को पहले सीट पे बैठने का शौक होगा कई ऐसे होते हैं कि दो तीन बंदे होंगे जिनको पहले सीट पे बैठने का शौक है पर फिर वो सीनियरिटी आ जाती है कि कौन उसमें यंगस्टर को बहुत तकलीफ होता है। अच्छा मैं जैसे नया नया गया था मेरा डेब्यू था तो मैं जाके लास्ट सीट पे बैठ गया। अच्छा मैं एक्साइटेड था पहला मनाश्ता वगैरह फटाक से किया मैं लास्ट सीट पे बैठ गया फिर पूजी भाई है मेरे पास चेतेश्वर पुजारा। अच्छा अच्छा तो मेरे को देख रहे थे एक मिनट तक मैं भी उनको देख रहा हूँ मेरे को समझ में नहीं आया मेरे कान में हेडफोन्स थे तो फिर जब निकाला उन्होंने बोला मैं इधर बैठ और मैं कुछ बोल नहीं सकता था मैं चुपचाप खड़े रहा जब तक पूरी टीम बैठ नहीं उसके बाद बैठा मैं। मैंने भी हटाया लड़कों को अपनी सीट से हाँ मैं रिक्वेस्ट कर देता हूँ आप इधर आ जाओ हाँ होता है एक रिस्पेक्ट तो होती है कि सीनियर प्लेयर आए तो वो बोल ही देते हैं कि बस वाली बात मैंने इसलिए पूछी मैं कहा शायद बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से बैठते होंगे या ऐसा मैं फिर ये सोच रहा था कि जिसकी एक दिन पहले एक मैच में अगर कोई जीरो पे आउट हुआ हो तो विंडो सीट तो अवॉइड ही करता होगा वो बाहर मीडिया है। बिल्कुल तो ये जो हेडफोन लगाते हैं सारे आप लोग तो मैच शुरू होने से पहले अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करते हो कि बाद में फोन बंद हो जाएंगे तो अभी भी कर लें क्या करते हो आप लोग हेडफोन लगा के? मैं तो गाना सुनता हूँ। अच्छा जब तक ग्राउंड आते हैं तब तक कोई भी सॉन्ग एक अच्छा रिलैक्स होने के लिए। किस किस्म का गाना सुनते हैं? मैं रैप ज्यादा सुनता हूं। यू नो जब तुम आए तो मैं बोलने वाली थी कि यू लुक लाइक अ रैपर आल्सो यू नो दिस वेरी कूल हुडी मेरे को लगा छोटा हनी सिंह आया थैंक यू क्या बात है बाजी तो ये मतलब सुनते बड़ा सुरीला है बहुत गाने मैंने देखे एक तो पंजाबी हैं तो पंजाबी म्यूजिक बहुत सुनते हैं पर बड़ी सारी चीजें आज मुझे पता चला जगजीत साहब के भी आप फैन हैं वैसे कौन नहीं फैन शायरी का भी बड़ा शौक है तो शायरी भी आप खुद भी करते हो पोएट्री? नहीं मैं रिसाइट करता हूँ पर कभी कभी जब ज्यादा सुनता रहता था तब लिख लिए थे एक दो शेर जो मैंने अपने थे वो मेरे को याद नहीं पर वैसे मेरे को बड़ा शौक है। वाह तो रिसाइट करते हैं तो एक अभी कर दीजिए। परो को खोल जमाना उड़ान देखता है जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है मिला है हुस्न तो हुस्न की हिफाजत कर हुस्न सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस नहीं लेकिन जो हमें शफा है आपको जो कल है तो मिला है हुस्न हुस्न की हिफाजत कर संभल के चल तुझे सारा जहां देखता है। वाह ये शकील आजमी जी का शेर है। राहत इंदौरी साहब की मुझे एक चीज याद आ गई बुलाती है मगर जाने का नहीं ठंडी है लेकिन नहाने का नहीं मेरे को पूरा भूल गया था मेरे को एक लाइन याद थी राहत इंदौरी साहब ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे बहुत ही कमाल के शायर रहे हैं अब शारीरिक रूप से हमारे बीच मौजूद नहीं है लेकिन उनकी लिखी हुई चीजें नज़्में उनके शेर जो है वो सारी उम्र लोग पढ़ते रहेंगे गुनगुनाते रहेंगे। एक बात महान खिलाड़ियों से पूछना चाहता हूँ कि जब मैदान पे खेलते हुए कभी आप निकल रहे हो ऐसा और दूसरी टीम जो है वो स्ट्रेटजी बना रही है तो आप जानबूझ के ऐसे तस्मा बांधने लगते हो लेसेस की इनकी स्ट्रेटजी सुन लें कोई ऐसा किया आपने चलाकी मारी कभी?
मैं सुनने के चक्कर में एक बार गार्ड भूल गया था आईपीएल के टाइम पे, तो कुछ बात कर रहे थे, शायद माही भाई बात कर रहे थे वो टाइम पे, तो मैं सुन रहा था उनका आवाज थोड़ा थोड़ा आ रहा था, तो अच्छा। उधर ही फोकस था थोड़ा कि क्या बात कर रहे, मतलब ऐसे ही कुछ और नहीं था, हम लोग खड़े थे रेडी, हम लोग दोनों ही रेडी हो गए थे और मैं चला गया मेरा गार्ड मैं बाद में आधे रास्ते में जाके वापस गार्ड पहन के गया फिर। अच्छा कि गार्ड ले आया, नहीं तो आपकी सारी स्ट्रेटजी खराब हो जाती। पक्की बात है, कई बार ऐसा भी हुआ है कि बैट्समैन 20-30 रन पे बैटिंग कर रहा है, उसके बाद ध्यान आया कि वो गाड़ी पहनना भूल गया, फिर वो यार गार्ड भूल गया, वो शुक्र होता कि अभी तक लगी नहीं होती वहां, नहीं तो बंदा गया। जैसे आपका क्रिकेट फील्ड और हमारा यहाँ पे जो शो है ना, बड़ी सारी सिमिलरिटीज हैं। जैसे मैंने देखा कई बार ना, जैसे किसी आर्टिस्ट की एंट्री बड़ी अच्छी गई हो ना, वो पैकअप के बाद ही बैठा रहता है बाहर, मैंने सैंडविच मंगाया बस खा के निकल रहा हूँ क्योंकि पता है कि चार लोग आएंगे तारीफ करेंगे, जिस दिन किसी की खराब हो जाए वो पीछे से निकलता है और वहीं के वहीं घर, फिर सीधा अगले शूट पे मिलेंगे। ऐसा होता है आपके साथ कि एक प्लेयर कोई मान लो जीरो पे आउट हो गया और उसके बाद सीधा आपको होटल अगले दिन ब्रेकफास्ट पे मिला हो, आपने कहा ला अकेले आ गए तुम? हुआ है सबके साथ हुआ है ये। ऐसा भी हो, लड़का आउट हो गया तो उसने दीवार के सामने मुंह करके बैठा हुआ है। मैं गया, मैं देखा ये लड़का कर गया रहा, दीवार के सामने मुंह करके बैठा हुआ, पता नहीं अपनी दुनिया में खो गया। अच्छा। क्या आउट हो गया यार, मैं दुख मना रहा हूँ यहाँ पे दीवार के सामने मुंह करके। बड़ी बड़ी हरकतें होती है टीवी पे तो। पृथ्वी के पापा ने, हमने सुना कि 3 साल की उम्र में इनको क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन करवा दी थी, तो उस समय आप फिर गार्ड पहन के खेलते थे कि डायपर पहन के? 3 साल की उम्र में, मतलब कैसे यार, सीरियसली? वो प्लास्टिक बॉल से स्टार्ट किया था, 1-1.5 साल बाद फिर उसका टेनिस बॉल से स्टार्ट किया। 3 साल की उम्र में आपको मतलब समझ आता था कि मैं क्या? नहीं, समझ नहीं आता था वो टाइम पे, जो डैड कराते थे वो अच्छा करता था, समझ आने लगा जब 6 साल का हुआ, 7 साल का, तब क्या होता है ये सब। पर कहीं ना कहीं उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा ना, डैड को काफी शौक था वो टाइम पे, हम लोग के यहाँ खाली एक ही टीवी मोहल्ले में लगने का, तो डैड यूज टू से कि वो जाने के वहाँ पे, जब सचिन सर तभी एकदम पीक पे थे, सचिन सर के दीवाने थे, आज भी है, वो टाइम पे भी थे, तो जब वो आउट हो जाते थे सब घर में वापस चले जाने कर वापस आने, ऐसे मेरे डैड बोलते थे, इतना मतलब उनको शौक था क्रिकेट का और वो चाहते थे कि मैं क्रिकेट ही खेलूं। अच्छा पृथ्वी, आप अपनी फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं, शिखरपा जी आप भी अपने फैंस के लिए कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, कभी आपने कमेंट्स पढ़े नीचे? बड़े मजेदार कमेंट्स होते हैं, हमारी ऑडियंस इतनी फनी हो गई है, हमारे देश के जो नागरिक हैं इतने मजेदार कमेंट्स करते हैं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, प्लीज। दिल्ली की सर्दी में धूप सेकने का और चाय पीने का मजा ही अलग है, शिखर पाजी ने पोस्ट किया है, तो नीचे कमेंट्स पढ़। अच्छा बांसुरी भी है, बांसुरी पड़ी है बाजी, क्या बात है यार, ओए होए, सर्दी में चाय पियो बांसुरी बजाओ, वाह यार पोजे कलाकार हो आप है। नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं क्या क्या है। शिखर भाई खाली टाइम में आप सांप भी पकड़ते हो क्या? सांप नहीं है, छत्ते से शहद निकालेंगे। भाई ये बांसुरी बजाते हो या पीठ खुजाने के लिए रखी है? तो भाई लोग, जिसने भी ये कमेंट किया है, आपने देख लिया होगा कि शिखर पाजी बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं। सर्दी में मजे लेने के लिए और भी तरीके हैं, जानने के लिए संपर्क करें। सर ज्यादा सुबह सुबह घास पे मत बैठा करो, ओस से दोनों डिब्बे गीले हो जाते। तभी तो धूप सेक रहा था। लगता है आपको गार्डनिंग का शौक है, तो ये बताओ मनी प्लांट अगर शराब की बोतल में लगाएं तो सीधी सीधी बढ़ेगी या टेढ़ी टेढ़ी? क्या सवाल है भैया। और दिखाइए। पृथ्वी शॉ, इट इज नॉट वेयर यू केम फ्रॉम, इट्स वेयर यू आर गोइंग दैट मैटर्स। वाह, ट्रू ट्रू ट्रू, क्या बात है। कमेंट्स दिखाइए। मैं इतना गरीब हूं कि मुझे ये भी नहीं पता लग रहा कि ये बैठे कहां हैं। ये मुंबई का कोई बार अनी रेस्टोरेंट है। अबे ये प्लेन है, रिप्लाई भी करते हैं लोग। हमारे ऑटो वाले ने भी ऐसी ही नीली लाइट नीचे लगाई हुई है। और दिखाइए। फोटो खिंचवाने के बाद अब ये वापस इकोनॉमी क्लास में ही जाके बैठ जाएंगे।
मैं भी ऐसा ही करता हूँ भाई, थोड़ा सा ध्यान से, ये इंडियन टीम के प्लेयर हैं, बड़े बड़े रिकॉर्ड्स हैं इनके नाम। बिल्कुल पृथ्वी भाई, अलग अलग अकाउंट से खुद तारीफ ना करें। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.